कल हमने अविकारी शब्द पढ़ा। अविकारी शब्द की परिभाषा हमने पढ़ी, वे शब्द जिनमें लिंग वचन और काल के की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद हमने पढ़े, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के बारे में हमने पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के फिर हमने चार प्रकार पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, इन चारों के बारे में हमने पढ़ा। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर हमने देखा, प्रश्न भी मैंने दिया आपको उसके ऊपर आधारित, सारे क्रिया विशेषण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपने लिख ही लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, अविकारी शब्द का दूसरा प्रकार संबंध बोधक शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द संबंध बोधक। जैसा कि नाम से, मैंने कल भी आपको कहा था कि परिभाषाएं नाम में ही होती है, संबंध बोधक, संबंध बताने वाले, बोध यानी जानकारी देने वाले, पता लगाने बताने वाले, है ना। तो संबंध बोधक यानी संबंध की जानकारी देने वाले। किस संबंध की जानकारी देने वाले? ऐसे शब्द जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है। कि ऐसे ये संबंध बोधक ऐसे शब्द होते हैं कि जो जैसे पूरा वाक्य है, उस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं, है ना। जैसे विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है, उसके बाहर, है ना। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण हमने दिया, विद्यालय के बाहर या विद्यालय के पास एक मैदान है, एक बगीचा है, फूल सकता है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, यहाँ संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। विद्यालय का संबंध बगीचे से किसके माध्यम से हो रहा है? के पास के माध्यम से। विद्यालय और बगीचे के संबंध किससे, किस शब्द के माध्यम से स्थापित हो रहा है? के पास, इसके माध्यम से। तो यह संबंध बता रहा है इन दोनों में कि विद्यालय के पास एक बगीचा है। बगीचा कहाँ है? विद्यालय के पास है। बगीचे का विद्यालय से संबंध इस शब्द के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई कि जिन अवयव शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण इसके दिए गए हैं, विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है, घर के भीतर बैठकर पढ़ो, पढ़ाई के बाद खेलने जाना, माता पिता की सेवा के समान कोई कर्म नहीं, सड़क के सामने पेड़ लगवाने हैं, बच्चों को पढ़ाने के बराबर कोई धर्म नहीं। तो यहाँ पर के बाहर, के भीतर, के बाद, के समान, के सामने, के बराबर, ये सभी शब्द क्या है? संबंध बताने वाले शब्द। तो ये सभी संबंध बोधक शब्द हैं। और भी अन्य शब्द हैं जो संबंध बोधक पदों का प्रयोग के, से, की आदि के साथ किया जाता है। संबंध बोधक के भेद इसके बाद आते हैं, उदाहरण के बाद इसके भेद। संबंध बोधक शब्दों को काल, स्थान, दिशा, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के अनुसार विभाजित किया जाता है। तो 10 प्रकार के यहाँ पर इसके भेद बताए गए हैं। आप भेदों के नाम और उदाहरण याद रखिए, बस से ज्यादा और कुछ आपको याद नहीं रखना है। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, विषयवाचक, समतावाचक, साधनवाचक, संघवाचक। ये 10 प्रकार के संबंध बोधक अविकारी शब्द के भेद माने गए। अब संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अवयव शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अम्मा बाहर खड़ी है, बाहर यानी क्रिया विशेषण, और
अम्मा घर के बाहर खड़ी है, के बाहर, तो यहां पर होगा संबंध बोधक, है ना, घर के बाहर खड़ी है। तो ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर है। ठीक है, ये हुआ संबंध बोधक। अब समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक पढ़ाने के बाद में तीनों के प्रश्न एक साथ दे दूंगी आपको। ठीक है, संबंध बोधक कंप्लीट हुआ। संबंध बोधक संबंध बताने वाले शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है वह स्थापित करते हैं, संबंध को जोड़ते हैं। इनके उदाहरण हमने देखे, के बाहर, के भीतर, के पास, के बाद, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं वो संबंध बोधक अविकारी शब्द होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। समुच्चय बोधक अगला अविकारी शब्द आता है, समुच्चय बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द हमने पढ़े। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, या, और, तथा, एवं, इसलिए, ताकि, बल्कि, किंतु, ये सभी शब्द जो होते हैं समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, है ना, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, ऐसे शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो अव्यय, जो अविकारी शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द तो वही है, समुच्चय बोधक और तथा एवं, है ना, यही है, लेकिन ये दो ऐसे अव्यय शब्द हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय यानी जोड़ना, है ना, आपस में जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द। तो हम देखते हैं बहुत सारे सेंटेंस हम पढ़ते हैं जिनमें और आता है, तथा आता है, जिससे दो वाक्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दो शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये सारे शब्द होते हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, कि जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, आप चाय या कॉफी पियेंगे, भाई और बहन पार्क में खेल रहे हैं, नीता को बुखार है इसलिए वह खेलने नहीं आई। तो यहाँ या और इसलिए, इन शब्द, ये शब्द जो है वे दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है। एक मिनट, समुच्चय बोधक शब्द और तथा एवं या, ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, योजक या समुच्चय बोधक संयोजक भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन हुई। अब इसके बाद समुच्चय बोधक के दो भेद यहाँ बताए गए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसके दो प्रकार यहाँ बताए गए हैं। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण, ये दो भेद यहाँ पर। इनके भेदों के नाम और उदाहरण आप देख लें, बाकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ने की जरूरत है। समानाधिकरण का मतलब है कि जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे मैं केला, संतरा और अमरूद खाता हूँ, माताजी या पिताजी बाहर जाएंगे, शिखा ने बहुत मेहनत की परंतु सब बेकार गई, राधा ने प्रतीक्षा की पर कृष्ण नहीं आए। तो इन वाक्यों में और या परंतु पर शब्द समान पद और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण, समानाधि यानी समान अधिकरण वाले शब्द, कि समान पदबंध हो, समान पद हो, समान शब्द हो, है ना, समानता लिए हुए शब्द वाक्य हो, उन्हें जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण, अब समानाधिकरण के भी चार भेद इसमें बताए गए हैं, संयोजन सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक, है ना, इन्हें आप केवल देख लेना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। व्यधिकरण का मतलब व्यधि यानी आश्रित उपवाक्यों को जोड़ना,
एक वाक्य दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाक्य पर आश्रित हो, है ना। ऐसे उन्हें जोड़ना है कि पहला और दूसरा वाक्य आपस में जुड़े हों और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो। उपवाक्य जो होता है वो वाक्य पर आश्रित हो। जैसे किसान ने खेतों में पानी दिया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। आप अच्छा लिखते होंगे तथापि प्रेमचंद जैसा नहीं। हमें मेहनत करते रहना है ताकि देश आगे बढ़े। दोनों वाक्य एक दूसरे पर, जो उपवाक्य होता है, छोटा वाक्य जो होता है, वो आगे वाले वाक्य पर निर्भर करता है, आश्रित होता है। तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते। अब इनके भी चार भेद है यहाँ पर, हेतु सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक, उद्देश्य सूचक आदि। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। समुच्चय बोधक की परिभाषा, उसके उदाहरण और ज्यादा से ज्यादा समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, इतना आपको इस लेसन में लर्न करना है। इसके अभ्यास आपसे हम देख लेंगे, अभ्यास क्वेश्चंस में दे दूंगी एंड। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक, चौथा है अविकारी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी ऐसे विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं, हर्ष शोक जो प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, आश्चर्य के लिए, इनके लिए अन्य भावों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो शब्द हर्ष शोक भय घृणा तथा विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे शाबाश, उफ, हाय, हे प्रभु, ये सब विस्मय सूचक है, हैरानी वाले, खुशी वाले, आश्चर्य वाले, है ना, क्रोध के, घृणा के, हर्ष दुख के, खुश प्रसन्नता के, इन सभी क्षणों में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन भावों प्रकट करने, इन भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो विस्मय सूचक शब्द होते हैं। और इन्हीं विस्मय सूचक शब्दों का बोध जो हमें बोध कराते हैं, इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ये मन के आवेग में अनायास मुंह से निकल कर भाव व्यक्त करते हैं। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है इन शब्दों का, लेकिन जैसे ही हम कोई हैरानी की या कोई आश्चर्य की बात करते हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो वो शब्द अचानक से हमारे मुंह से निकल जाता है, अरे बाप रे, हाय। तो ये शब्द भाव से उत्पन्न होते हैं, है ना, खुशी के भाव से, दुख के भाव से, भावों से ये शब्द हमारे मुंह से उत्पन्न होते हैं, अचानक ही अनायास ही निकल जाते हैं। इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। और एक और इनके साथ बात होती है कि इनके इन शब्दों के पीछे विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगता है। हाय लिखा हमने, अरे लिखा हमने, तो उसके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह जो होता है वो लगता है, विस्मय सूचक चिन्ह। अब यहाँ कुछ भेद और उदाहरण दिए हैं, तो भेद उसके भावों के आधार पर, जैसे हर्ष बोधक, हर्ष प्रसन्नता की सूचना देने वाले शब्द, प्रसन्नता को प्रकट करने वाले शब्द, वाह, आहा, ओह, ये हर्ष सूचक शब्द हुए। शोक बोधक दुख की, दुख के बारे में, दुख का भाव प्रकट करने वाले शब्द है, हे राम, हाय, ओह। भय बोधक डर, डर का भाव उत्पन्न करने वाले, भावो, अरे बाप रे। घृणा नफरत वाले, छी छी, विस्मय यानी आश्चर्य वाले, ओह वाह, अरे। चेतावनी वाले, सावधान, हटो, बचो, है ना, हटो, पीछे गड्ढा है। आशीर्वाद वाले, जियो, खुश रहो। स्वीकृति, हाँ हाँ, ठीक, अच्छा। संबोधक बोधक, अरे, ओ। तो ये सभी अलग अलग इनके भेद तथा उदाहरण हैं। भेद तो इनके भावों के आधार पर है, जैसा हम परिभाषा में लिख रहे हैं कि हर्ष का, शोक का, भय का, घृणा का, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मय विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इन्हीं भावों के आधार पर इनके भेद माने गए हैं अलग अलग। तो ये भेद इनके हैं। ये चारों प्रकार के अविकारी शब्द कंप्लीट हुए। इनके प्रश्न मैं दे रही हूँ आपको, प्रश्न आप लिख लीजिए, ठीक है। विशेषण तो हमारा हो गया था, कंटिन्यू कर लेना या तो उसकी नंबरिंग।
संबंध बोधक अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय के पांच उदाहरण को तीसरा संबंध बोधक के भेदों के नाम लिखो। चौथा समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? पांचवा है समुच्चय बोधक ये कितने भेद हैं होते हैं नाम एवं एक एक उदाहरण लिखिए। नाम एवं एक एक उदाहरण लिखिए। नंबर सिक्स विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के दो दो उदाहरण ठीक है। सेवन क्वेश्चंस हैं, बाकी के पहले जो मैंने लिखवाए थे वो ये सारे अविकारी के प्रश्न उत्तर। पहला संबंध बोधक अविकारी शब्द किसे कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय के कुल पांच उदाहरण लिखिए। संबंध बोधक के भेदों के नाम लिखिए। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए एवं एक एक उदाहरण नाम और एक एक उदाहरण भी लिखिए। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? भय बोधक एवं शोक बोधक शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। जो भेद है विस्मयादि बोधक के भेद तथा उदाहरण है उसमें दिए हुए हैं ठीक है। तो ये कॉपी में आपको कंप्लीट करना है। इतना ही, कल हम वाक्य वाक्य नहीं पढ़े ना हमने अभी तक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए ना, अविकारी से रिलेटेड कोई प्रश्नों के उत्तर से रिलेटेड।